तो आपके परफ्यूम भैया वापस आ चुके हैं तो ब्रांड न्यू वीडियो। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका विनीत गौर, आप देख रहे हैं व्हाट द डूड। आज की वीडियो के लिए हमने हमारे कम्युनिटी पेज पे ना पोल डाला था कि इन तीनों में से आपको कौन से फ्रेग्रेंस का रिव्यू चाहिए, आप लोग ने जिताया है ज़ारा नाइट पर होम टू स्पोर्ट्स। आज की वीडियो में आपको डिटेल बताता हूं इस फ्रेग्रेंस के बारे में, ये कैसा है, इसको कहां पे लगा के जाना चाहिए, इसके ऊपर ऑफर क्या लगा है, कहां से हम खरीद सकते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको कहां पे लगा के जाओगे तो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। बिकॉज मेरे प्यारे प्यारे डूड क्रू, मैं हमेशा कहता हूं ना कि हर फ्रेग्रेंस हर ओकेजन के लिए नहीं होता, अगर आप सही फ्रेग्रेंस को उसके ओकेजन के हिसाब से लगा के जाएंगे ना तो ज्यादा स्मार्ट एंड सेक्सी लगेंगे। एंड अगर तो आपको जो पहली बार चैनल पे आया तो मेरा नाम है विनीत गौर, मैं निकलो इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्मार्टेस्ट हाईली मोटिवेटेड गुड लुकिंग डूड क्रू कम्युनिटी बनाने के लिए। एंड इफ यू आर समबडी हु वाइब्स विद दिस, जल्दी सब्सक्राइब के बटन को दबाओ और ये डूड क्रू कम्युनिटी को ज्वाइन करो। तो लेट्स गो। ज़ारा के नाइट पर होम टू स्पोर्ट्स को अगर मुझे दो शब्द में बताना पड़े तो ये है सिट्रसी एंड मस्की। देखो, अगर आपको ना जिसको वो समर टाइप की फ्रेग्रेंस है वो सिट्रसी एलिमेंट वाले फ्रेग्रेंस काफी अच्छे लगते हैं ना, देन आपको एनपीएच टू स्पोर्ट्स बहुत पसंद आएगा। लिटरली यार, अगर ये फ्रेग्रेंस मैं समर कहूँ या आपके मॉनसून के सीजन में कहूँ, इवन आपके थोड़े से अर्ली विंटर्स के टाइम पे कहूँ, बहुत सॉर्टेड है। विंटर्स में वैसे तो मैं सजेस्ट करता हूँ वार्म जाने के लिए, बट देन ऑल्सो दैट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे, आपके एनवायरमेंट एंड सिटिंग कौन सी है। देखो भाई, ज़ारा का नाइट पर होम टू कहूँ या नाइट पर होम टू स्पोर्ट्स कहूँ, ये दोनों के दोनों ना सिंथेटिक फ्रेग्रेंस है, ठीक है। अब सिंथेटिक होने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एकदम इरिटेटिंग फ्रेग्रेंस हो गई है या आपको मैं ये कहूँ पंजेंट सा लग रहा है, इरिटेटिंग सा लग रहा है, नो ऐसा सीन नहीं है। देखो, एक बात मैं बता देता हूँ, यस आई नो कि थोड़ा बहुत डिबेट है कि इन्वेक्टिस की तरह थोड़ा सा फ्रेग्रेंस आता है NPH 2 का, नॉट अबाउट द स्पोर्ट्स आई एम टॉकिंग, बट देन अगेन इतनी सिमिलैरिटी नहीं है एंड इसकी भी उतनी सिमिलैरिटीज नहीं है। मुझे अगर कोई पूछेगा ना कि क्या आपको नाइट पर होम टू एक अच्छा फ्रेग्रेंस है कि आपको जो समर में लेना चाहिए, मॉनसून में लेना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट मैं तो डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा आप इसको खरीद सकते हो। इसकी जब ओपनिंग नोट आती है ना तो आपको बहुत अच्छी बर्गमॉट की खुशबू आती है, आपको लेमन की खुशबू आती है, आपको लैवेंडर की भी खुशबू आती है, थोड़ा सा वो सेटल होना शुरू होता है तो आपको मस्त की खुशबू आना शुरू हो जाती है, हल्का सा वुडी एलिमेंट आना शुरू होता है, आपको एम्बर की खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो विद दिस गिव्स यू वेरी नाइस, कहते ना आपको वो थेरेप्यूटिक फ्रेग्रेंस कैसे होते हैं, थोड़ा सा वैसा। ट्रस्ट मी, स्पोर्ट्स एक्सट्रीम एंड इवन द विंटर कलेक्शन तो ज़ारा का एक लिमिटेड फ्रेग्रेंस है, आई थिंक आप में से किसी कुछ लोगों के पास होगा वो वाला, यार बहुत ही अच्छा फ्रेग्रेंस है। लाइक लिटरली ये दो तीन कलेक्शन फ्रॉम ज़ारा ना मुझे बहुत पसंद आता है। जिसे इसके नोट जानना सिर्फ उसके लिए, इसके टॉप नोट में बर्गमॉट, लेमन, कार्डमन एंड मिंट, मिडिल नोट में आपको लैवेंडर, नटमैग, एप्पल एंड सेडरवुड की खुशबू आने वाली है, एंड बेस नोट में एम्बर, कैसेस, एलिमी एंड मस। देखो, अब कैसेस के नोट से बेसिकली ना फ्रेग्रेंस आपको फ्लोरल वाली आने वाली, तो थोड़ा सा ना आपको बेस नोट जब आता है तो सेटल हो जाता है ना आफ्टर अ वाइल, आपको वो खुशबू हल्की फ्लोरल वाली आती है, कम आती है। लाइक ऐसे मान लो रोज हो गया, वॉयलेट हो गया, या इवन आपकी जैस्मिन की जो खुशबू होती है, ये सब थोड़े से एलिमेंट्स आपको एकदम कहते हैं सौंधी सौंधी सी खुशबू आती खाली। एंड एलिमेंट्स है ना आपको फ्रेश स्पाइसी फ्रेग्रेंस की खुशबू काफ़ी आती है, एंड ऑल्सो हल्का बहुत आपको वो सिट्रसी नोट्स भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। दैट इज द रीजन मैंने कहा कि अगर आप कोई हो जिसको सिट्रसी फ्रेग्रेंस पसंद है, बिट ऑफ दोस मस्की एलिमेंट एंड हल्का सा स्पाइसी एलिमेंट, देन आपको ये बहुत पसंद आएगा। चलो एकदम ही सिंपल भाषा में बताता हूँ कुछ लोगों के लिए जिनको नोट से कुछ लेना देना नहीं है। देखो भाई, आपको सिंपल में इतना समझा रहा हूँ, आप इमेजिन कीजिए लेमन की खुशबू, ठीक है, फ्रेश लेमन की खुशबू को इमेजिन कीजिए, वो कैसी होती है आपके फ्रिज में या किचन में जाके आप चेक कर सकते हैं। उसमें उसको मिलाइए आप बिट ऑफ वेनिला के एसेंस से, ठीक है, थोड़ा सा आपको वो स्वीट वेनिला एसेंस मिलना शुरू हो जाएगा, करेक्ट। साथ में आप काम कीजिए हल्का सा वो जो लैवेंडर की खुशबू होती है उसको, अभी लैवेंडर के एलिमेंट्स तो आपको कहीं भी मार्केट में जाकर चेक कर सकते हैं, आप किसी फ्लावर शॉप भी चला जाओ तो आपको वहाँ पे वो एलिमेंट की खुशबू मिल जाएगी कैसी होती है। तो अब जब आप इन तीनों को मिलाओगे ना, दैट इज़ वॉट जो इसका मेजर कंपाउंडिंग मेंटेन कर रहा है फ्रेग्रेंस। अब ये फ्रेग्रेंस कहाँ पर ले आके जाने के लिए अप्रोप्रिएट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस इज़ अ परफेक्ट इवनिंग फ्रेग्रेंस। जैसे नाइट पोर लिखा है ना इसके ऊपर, ये यार शाम के टाइम के लिए बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर रोमांटिक डेट है किसी पर जा रहे हो ना, डेफिनेटली गोइंग टू सजेस्ट की स्पोर्ट्स ट्राई करना, बड़ा प्यारा फ्रेग्रेंस है। आप आपके कोई इंडोर इवेंट्स पे जा रहे हो, कोई एंगेजमेंट पे जा रहे हो, या मान लो किसी कॉलेज की पार्टी में जा रहे हो, या बेसिकली आप ऐसी जगह में हो थोड़ा जो इंडोर है, ठीक है, अगर आप वहाँ पे इसको लगा के जा रहे हो ना, बहुत सॉर्टेड है, लाइक लिटरली इंप्रेशन झाड़ने वाला है। इफ़ यू आर वेयरिंग अ नाइस ब्लेजर, एक स्मार्ट फॉर्मल पहना हुआ है, वहाँ पे लगा के जा रहे हो ना, यार भाई कमाल लगोगे, लिटरली आपकी वो वाइब मेंटेन करेगा, आपका सिग्नेचर बन सकता है ये। लाइक मैं लिटरली बोल रहा हूँ, अगर शाम के टाइम पे लगा कर सोच रहे हो ना जाने के लिए, ऐसे ऐसे कुछ आपकी सिटिंग ऐसी है कि आप ऐसी सब जगहों पे रोल करते रहते हो,
आपका सिग्नेचर बन सकता है। एंड ऑब्वियसली अगर आपको एसी वाले एनवायरनमेंट में, तो भाई देखने साथ प्रोजेक्शन एंड लॉन्जिविटी कमाल करती है। अब प्रोजेक्शन एंड लॉन्जिविटी बोल ही दिया है, तो भाई बात कर लेते हैं इसका प्रोजेक्शन कैसा है। तो पहले के आधे घंटे में इसका प्रोजेक्शन अच्छा खासा आधे फीट का रहता है, आधे फीट से थोड़ा ज्यादा, एक फीट तक आप पकड़ सकते हो पहले के आधे घंटे में। एंड अगर मैं इसकी लॉन्जिविटी के ऊपर बात करूं, तो आपके स्किन के ऊपर जिसकी जो एसेंस है 4 घंटे तक तो ईजिली मेंटेन रहती है, उसके बाद धीरे धीरे लिंगर ऑन करना शुरू कर देता है। एंड अगर आप कपड़े के ऊपर लगाओगे तो 1 घंटा आपको और मिल जाएगा। क्या आपको इसे ओवर स्प्रे करना चाहिए? अब टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, देखो सिंथेटिक फ्रेग्रेंस है, ठीक है, तो ये सबके बस की बात नहीं है कि उनको वो सिंथेटिक नोट्स पसंद आएगा। हो सकता है कुछ लोग होंगे जिनको थोड़ा सा इरिटेशन हो सकता है, तो अगर आप कोई हो जिसको सिट्रसी नोट्स से इतने ज़्यादा इशू नहीं है, देन इट्स ओके इफ़ यू वॉन्ट टू ओवर स्प्रे, यू कैन, कंसिडरिंग ये सिंथेटिक फ्रेग्रेंस है, आप उसको थोड़ा ओवर स्प्रे कर सकते हो। मैक्सिमम मेरे हिसाब से 6 कर लो तो सॉर्टेड है, 6 से 7 कर लो काफ़ी रह जाएगा। एंड इफ़ यू आर समबडी जिसको नहीं, उसको उतना ज़्यादा सिट्रसी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं मेंटेन कर पाते हैं, आपके लिए अगर आप मिनिमम स्प्रेस भी करोगे वुड बी मोर देन एनफ। मेजर पॉइंट्स पे लगा लो और चिल करने निकल जाओ। अब बात करो अगर इस भाई साहब के प्राइसिंग को लेके, तो यार ये मुझे ना एग्जैक्टली पड़ी थी अराउंड 1000 रुपीज़। अब मुझे 1000 में कैसे पड़ी बताता हूँ, बिकॉज मैंने ना कॉम्बो पैक खरीदा था इन दोनों का, तो मुझे नाइट पर होम 2 एंड स्पोर्ट कॉम्बो डील में मिलने के वजह से मुझे सस्ता पड़ गया। इसकी जो प्राइसिंग मुझे पड़ी है वो है 1990, अगर आप डिवाइड कर दो तो मेरे को रेशियो काफ़ी डिसेंट रेट पे पड़ गया है। अगर आप सोच रहे हो कि इसको मैं इंडिविजुअली खरीदना, अगर आप सिंगल सिंगल खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो भाई जब आप सिंगल खरीदेंगे तो आपको एक पड़ जाएगा ले दे के अराउंड 1300 का एक बॉटल पड़ रहा है, तो मुझे वो किफ़ायती नहीं लगा, इसलिए मैंने कॉम्बो में खरीदा है। एंड अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो लिंक नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन पे आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। भले स्पोर्ट्स हो गया या होम टू हो गया, खाली अगर आप नहीं खरीद पा रहे तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इनके ना कुछ लोगों ने रेप्लिका बनाया है, आई थिंक रेप्लिका इज अ रॉन्ग वर्ड, लेट्स से इंस्पिरेशन बनाया है, क्लोन बनाया है, जैसा भी है, तो मैं आपको कुछ रिकमेंडेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन गो एंड चेक दैट थिंग आउट। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा बिफोर दैट, कि यार मुझे जो ज़ारा के कैप्स मिले ना, मतलब इस दोनों फ्रेग्रेंसेज जो मुझे मिले ना, इनके कैप थोड़े से डैमेज्ड है। आई डोंट नो ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बट येस इनके कैप थोड़े से डैमेज है, लाइक इवन व्हेन आई एम स्प्रेइंग इट राइट, मैं लिटरली बॉटल कैप को मुझे प्रेशर लगाना पड़ रहा है जो पहले नहीं लग रहा था। मैंने बॉटल कैप को ओपन करके थोड़ा सा ट्राई आउट किया है, बट इट्स स्टिल नॉट दैट स्मूथ जैसा मेरा पहले के एडिशन होते थे, जैसे सियोल था मेरे लिए, मिडनाइट हुआ, वैसा वाला वाइब नहीं दे रहा है। तो प्लीज़ व्हाइल यू आर बाइंग इट, आई वुड हाईली रिकमेंड, स्टोर वालों को बात कर रहा हूँ, तो अगर आप जाके स्टोर से खरीद रहे हो तो प्लीज़ चेक करके खरीदना। ऑनलाइन वालों को इतना टेंशन लेने का ऐसे ज़्यादातर जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि ऑनलाइन वालों में क्या होता है पता है, अंदर जो लोग वेयरहाउस में रखते हैं वो आपके लिए ट्रांसपोर्ट करते हैं। मैंने जो उठाया रिटेल में, ये वो वाले जो कोई भी एरागेरा आ जाता है ना, वो लगा के टेस्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पर रील बना रहे हैं, वहीं से थोड़ा वैसा वाले क्राउड आ जाती है, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। बट आई थिंक दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू लुक आउट फॉर। तो ऑल एंड ऑल दोस्तों, आई होप आपको ज़ारा नाइट पर होम टू स्पोर्ट्स का ये मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। एंड ऑल्सो अगर आपने होम टू का रिव्यू नहीं देखा है मेरे चैनल पे, तो एंड स्क्रीन पर भी डालने वाला हूँ, जाकर जरूर चेकआउट करना, बिकॉज मे बी कि आपका ये टेस्ट ना निकले, आपको ये वाला ज़्यादा पसंद आए, एंड स्क्रीन में वीडियो देख लेना। ऑल्सो हमें इंस्टाग्राम पे भी आके फॉलो कर लीजिए, दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा हुआ है, वहाँ पर हम लोग बढ़िया कॉन्टेंट बना के लेके आते हैं। एंड अगर आपको चाहिए कि मैं भी कोई और भी फ्रेग्रेंस का रिव्यू करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आपको सजेशन चाहिए कोई पर्टिकुलर प्राइस रेंज में, कमेंट में बता दो, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको अर्जेंटली मुझसे बात करना है तो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, कहीं पर भी आकर मुझसे बात कर सकते हो। स्नैपचैट में मैं हाईली एक्टिव हूँ, यहाँ पे बिहाइंड द सीन्स आपको स्नैपचैट में देखने को मिलते हैं, थोड़े जो मस्ती करते हैं, कैसे बार्गेन करते हैं कि प्लीज़ हमें फ्रेग्रेंस थोड़े और सस्ते में मिल जाए, सारी सब चीज़ें वहाँ पर रहती हैं, थोड़े अनसेंसर्ड चीज़ें भी रहती हैं जो अंडर 18 वाले ना आए देखने के लिए। एंड अगर आपको मुझसे इमीडिएटली कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो ट्विटर पे #AskWTD करके आप मुझे टैग कर सकते हैं, आपके जो भी क्वेरी रहेंगे मैं आपको इंस्टेंटली रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए आप लोग जहाँ पर भी रहे सेफ और सुरक्षित रहे, अपने घरों का ध्यान दीजिए। मैं मिलता आपको बहुत जल्दी से कुछ और कमाल की वीडियोस के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे डूड क्रू, बाय।